आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऊपर से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दुकान खोल के सबसे बड़ा भूल कर दिया, पर एक तरफ से देखूं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। यूं मान लो आजकल जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मेरा मन भी बदलने लगा है। देखो ना, सुबह जब उठा तो बहुत धूप थी, इसलिए मेरे कंचे ने फ्रिज से बड़ा सा फेंटा का बोतल निकाला और सभी के लिए एक एक करके ग्लास में डालना शुरू किया, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा गर्मी है, चारों तरफ धूप ही धूप और धूप के कारण पसीने निकल रहे हैं। इसी बात पे फेंटा पीना तो बनता है और सबसे पहला ग्लास मेरी मम्मी को गया तो बारी आया मेरी छोटी बहन और मेरा साला का, साथ ही मेरे लिए भी एक ग्लास था, तो इसको जल्दी से उठा के पी लेते हैं और ठंडा ठंडा कूल का आनंद उठाते हैं। लगता है मेरे गोलगप्पे को भी ठंडा ठंडा कूल होना है, इसलिए तो ये नींद से जाग गया और जब मैं इसे हंसाने लगा तो ये अचानक रोने लग गया भाई। देन फिर मेरी मम्मी ने इसे झुलाना शुरू किया। लेकिन सुबह सुबह हमारे घर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, यानी कि मेरी मम्मी पुराने घर से नए घर साइकिल से होते हुए आ रही थी, तभी इनका फोन कहीं पे गिर गया और जिसको भी मिला है ना उसने तुरंत ही मतलब कि व्हाट्सएप खोल के स्टेटस लगाया था और ऐसे मतलब इंस्टाग्राम का एक रील उठा के स्टेटस लगाया था। बाकी अगर उसने अच्छा स्टेटस लगाया होता या फिर अपना फोटो वगैरह लगाया होता तो हमें मिल जाता। और मैंने इस चीज को लेके मतलब इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी वगैरह डाला था कि भाई मेरा फोन ऐसा ऐसा गुम हुआ है, अगर किसी को मिले तो बता देना। बट वहां पे मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके क्या रहे कि भाई मुझे मिला है, मुझे मिला। और फिर मैं उनको पूछता हूं कि भाई कहां से हो, कोई बोलता है मुंबई का हूं, कोई बोलता है बिहार का हूं। अब फोन गुम हुआ है भाई हमारे गांव में और मैं रहता हूं आसाम में, तो भाई कैसे बेंगलोर मुंबई दिल्ली कहां से पहुंच गया। वो लोग मतलब ऐसे ही मेरे से मतलब मेरा रिप्लाई पाने के लिए ऐसे ही मैसेज कर रहे हैं। और बाद में जब उनसे मैं बातें कर रहा हूं ना तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सोनू भाई, आपका रिप्लाई पाने के लिए हम लोगों ने ऐसे ही बोला था। तो भाई मैं इतना ज्यादा परेशान बैठा हूँ क्योंकि उस फोन को ना मैंने बेंगलोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करके अपना पहला सैलरी से उस फोन को बहुत ही मेहनत करके लिया था और उस फोन के साथ ना मेरा एक बहुत ही बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ। के जगह पे हमारा ये आईफोन भी गुम होता तो हमें उतना कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो फोन हमारे लिए बहुत ही लकी था एंड उसी फोन से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था। तो सोचो मेरे लिए वो फोन कितना ज्यादा लकी था, भले ही वो फोन 10,000 का था बट उसने मुझे लाखों रुपए कमा के दिया था। यूं मान लो कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनमें पैसा मायने नहीं रखता है। सच में यार अगर मेरा आईफोन भी गुम हो गया होता ना तो मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं होता। मैंने पिताजी को खाना ले जाते वक्त भी सभी लोगों से पूछा पर किसी ने मुझे मिला ही नहीं। कहा तो आप पिताजी को खाना दे देते हैं और वापस अपना घर चलते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं जितना भी ढूंढ लूं फोन नहीं मिलने वाला। चलो फोन तो नहीं मिला है तो अब मैं और मेरा साला बाइक में अपने दुकान की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दुकान में बहुत सारा काम चल रहा है तो वहाँ पे कुछ कुछ पैसे भी देना है तो कुछ कुछ सामान वगैरह भी लाना है। तो अब चलो दुकान भी चलते हैं, दुकान भी देखते हैं, देन फिर अपना घर में जो कुछ भी होता है वो सब देख। अपना दुकान जाते आते मैं घुसा इन भैया के दुकान में जिनसे मैंने एवरीडे वाला मिल्क पाउडर लिया, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत सारा देसी दूध बचा है तो इसको मिला के हम पेड़ा बनाएंगे। और मैं इससे निकल ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैंने तो किसमिस लिया ही नहीं। रेक में अगर किसमिस लेके दुकान के अंदर आया तो 90% काम कम्प्लीट हो चुका था, यानी कि ये रेक वगैरह भी बनके रेडी हो चुके थे। तो इधर इसका पेंटिंग वगैरह हो रहा था, साथ ही ये रहा हमारा काउंटर जो अभी कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि आप लोग हमारा फॉल्स सीलिंग देखो कितना सुंदर चमक रहा है और इस फॉल्स सीलिंग के चारों तरफ रंगी बिरंगी लाइट कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये ब्लू ब्लू लाइट इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों ने चेन लाइट लगाया है तो इसीलिए काफी अच्छा चमक रहा है। प्लस इधर ये सिंपल सिंपल लाइट भी काफी अच्छे दिख रहा है, इधर आप लोग देख सकते हो। और इसमें आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये देखो रेड रेड दिख रहा है ना, ये भी चेन लाइट की वजह से हो रहा है। एंड ये यूट्यूब का जो लोगो है इसमें हम लोग रेड कलर कर देंगे तो हमारा ये यूट्यूब का लोगो काफी अच्छी तरीके से चमकेगा। प्लस आप लोग इधर देखो हमारा काउंटर भी बन चुका है, ये रहा एक काउंटर, उसके बाद ये दूसरा काउंटर, अभी इसमें ये सनमाई का मारना ही बाकी है। मतलब ये सिंपल प्लाई का था बट इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है जिससे कि मतलब टाइल्स का लुक आ रहा है और काफी अच्छा लुक आ रहा है। ये तो अभी बन रहा है बट इधर एक है बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो काफी अच्छा चमक रहा है ये भी। और अपना रूम का पूरा लुक आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। अभी बस वहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि कल मेरा बोर्ड भी लगने वाला है, इसलिए भैया लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे बैम्बो बांध रहे हैं। और इसे लाने में हमें बहुत मुश्किल हुई है क्योंकि बैम्बो भी भाड़ा में लाना पड़ा तो ऊपर से कैरिंग चार्जेस और ये भैया लोगों को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। मतलब भाई पैसा तो बिल्कुल हवा की तरह उड़ रहा है। ये रहा हमारा फॉल्स सीलिंग जिसमें अब कलर हो रहा है और सारा चीजें करते करते ना भाई इतना ज्यादा पैसा उड़ गया कि मेरे घर वाले तो परेशान है ही है बट ऊपर से मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ। बट कोई ना यार, लगभग सारा काम कम्प्लीट हो चुका है तो चलो अब वापस अपना घर चलते हैं। घर आते ही देखा तो मेरा गोलगप्पा अपनी दादी माँ के साथ गांव से घूम के आ रहा था तो साथ में चॉकलेट भी चबा रहा था। फिर ऐसे ही करते करते रात हुई तो मेरी कांची दूध गर्म करने लगी क्योंकि अब बारी आ चुकी है पेड़ा बनाने की। तो मैंने जितना जो कुछ भी सामान लाया था इसे दे दिया, इसने एक एक करके सभी को ऐड करना शुरू किया। और हम मिल्क पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा मावा ज्यादा निकले, उस दिन सिर्फ प्योर दूध का किया था तो बहुत कम मावा निकला था बट इस बार थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करके देखते हैं क्या पता ज्यादा मावा निकल जाए। चलो इसे चलाने का प्रोसेस शुरू करते हैं और चलाते चलाते ये गाढ़ा
ज्यादा होने लगा एंड इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर मिस किया ना, तो इसीलिए। एंड कभी कभी मेरी कांची भी आके इसे चलाने लगी, तो चलाते चलाते देखो हमारा दूध सूखने लगा है। फिर लगभग आधा घंटा चलाने के बाद फाइनली हमारा मावा बनके तैयार हो गया, जिनमें से कुछ पेड़ा बनाएंगे तो कुछ अभी खाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इसे देख के रहा नहीं जा रहा है और इन लोगों ने तो कब से परेशान कर रखा है। एंड देखो ना, मेरे गोलगप्पे को खाने मिलेगा बोलकर ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। चलो अभी से जल्दी से खा लेते हैं। एंड मैं इधर बैठ के आराम से खाने लगा तो इधर मेरी पूरी फैमिली यानी कि फैमिली से मेरी कांची और पिताजी मिसिंग है। वैसे पिताजी तो रहते हैं अपने पुराने घर पे, तो कांची वीडियो शूट कर रही है, तो वीडियो खत्म होते ही ये भी आ जाएगी। सुबह हो चुका है तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है। इसी गर्मी के बीच में चलो मैं आप लोगों को मेरा लाइफ का प्रॉब्लम के बारे में सुनाता हूँ। वैसे प्रॉब्लम तो उतना बड़ा नहीं है, बस मेरी मम्मी परेशान है, पापा परेशान है, प्लस ये भी परेशान है, और इनके कारण मैं खुद भी परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि जब से मैंने अपना दुकान स्टार्ट किया है ना, तब से ही हमारा पैसा भाई एकदम हवा की तरह। क्योंकि हम लोगों ने जब से दुकान लिया है तब से ना ये मतलब यूट्यूब पे ज्यादा फोकस ही हाँ, करने यही कारण ये लोग मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मम्मी भी कहती है कि तू क्या कर रहा है, यूट्यूब इतना अच्छा खासा चल रहा है, ये दुकान उकान के पीछे क्यों पड़ा है, यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम आ रहा है, तो दुकान उकान क्यों कर रहा है, तू ये सब क्यों झमेला कर रहा है, अपना बोझ क्यों ले रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है। और जब भी मैं अपना पुराना घर जाता हूँ ना, तो पिताजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा YouTube से अच्छा खासा इनकम तो आ रहा है ना। अब भाई मैं उनको क्या बोलूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। अब मतलब ओल्ड जनरेशन के लोग है ना, तो इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं जैसे तैसे समझा देता हूँ कि हाँ पिताजी ऐसा ऐसा है, अगर मैं YouTube को बाद में अगर YouTube को कुछ भी हो जाता है तो मैं अपना दुकान करके आराम से खा सकता हूँ। और मैं इनको हमेशा यही कह के समझाता हूँ कि भाई ना ही मैंने बैंक से उधारी ली है, ना ही मैंने किसी के साथ जाके उधारी लिया है, ना ही बैंक से लोन लिया है, तो जो भी कर रहा हूँ मैं अपने खुद के दम पे कर रहा हूँ, अपना खुद का पैसा से कर रहा हूँ। पॉपुलैरिटी भी है भाई, जितना भी पॉपुलैरिटी है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर किया है भाई, और ये सारे के सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर है, मुझे देखने वाले सब्सक्राइबर। आज के टाइम पे मेरे एरिया पे मुझे सभी लोग पहचानते हैं, ऑनलाइन में भी काफी सारे लोग मुझे पहचानते हैं, आप लोग भी पहचानते हो। अगर भाई आप मैं दुकान खोलूंगा तो आप लोग तो मेरे शॉप से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करोगे ना, मेरे सब्सक्राइबर तो आएंगे ना मेरे दुकान पे। अब आसपास के जितने भी बंदे सभी लोग मुझे पहचानते हैं, तो भाई दुकान में आएंगे, तो मेरे पास तो भाई पॉपुलैरिटी भी है, प्लस मैंने किसी के साथ उधारी लेके भी दुकान नहीं किया है, तो आप लोग सोचो भाई मेरा मतलब मैं कितना ज्यादा प्लस पॉइंट पे। बट अगर वहीं पे किसी किसी को देखा जाए तो वो लोग बैंक से लोन निकालते हैं, ना उनके पास पॉपुलैरिटी है, ना उनके पास मतलब ठीक ठाक पैसा है, बस लोन निकाला, दुकान स्टार्ट कर दिया। तो जब उन लोगों को डर नहीं है तो मुझे डरने की तो क्या जरूरत। डर तो लगता है, बट यही मैं इन लोगों को समझाता हूँ। प्लस मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस भी चीज पे अपना कदम रखूंगा वो हमेशा सक्सेस होगा। एंड आज तक तो होते ही रहा है, होते ही रहा है, और जो कुछ भी मैंने डिसीजन लिया है ना वो सब कुछ सही होता है। एंड इन लोगों ने मुझे पहले गाड़ी लेते समय भी कहा था कि यार तू क्यों गाड़ी ले रहा है, क्यों इतना पैसा फेंक रहा है। मतलब कि हमारे घर में पूरा झगड़ा हो गया था, कोई इधर रोने लगा, कोई उधर रोने लगा, फिर भाई इन लोगों को जैसे तैसे मना के अपना जीत करके मैंने गाड़ी लाया। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को गाड़ी वगैरह ये सब रेंट में लाके दिखाता हूँ 6 महीने के लिए लाके। अब देखो मेरा गाड़ी 1 साल हो चुका है, अगर रेंट का होता तो चला जाता ना। आप लोग मेरा नंबर प्लेट से सर्च भी कर लेना, वो मेरा खुद का है। अब बाकी यूट्यूबर की तरह मैं अपनी ऑडियंस को भाई इस तरह उल्लू नहीं बनाता हूँ। अब काफी सारे ऐसे यूट्यूबर है जो भाई कहाँ कहाँ से गाड़ी लाते हैं और सुपर कार वगैरह ये सब लाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, बट वो सब रेंट का होता है। मैंने भी सुना है ओके, और मुझे भी ऐसे लगता है, बट आप लोग देखो भले ही मेरे पास थार है तो जो कुछ भी लिया है मैंने अपना खुद के दम पे लिया है। एंड दुकान भी मैं अपना खुद के दम पे कर रहा हूँ। वैसे वो दुकान मैंने खरीदा नहीं है, वो रेंट पे लिया है, बट उस दुकान के अंदर जितना जो कुछ भी काम हो रहा है वो मेरे खुद के पैसों से हो रहा है। एंड दुकान के अंदर जो कुछ भी माल वगैरह रखा है वो मेरे खुद के पैसों से हो रहा है। बस रूम ही मैंने रेंट पे लिया है, क्योंकि ना टाउन वाले जगह पे थोड़ा भीड़ भड़ाके वाले जगह पे ऐसे चलने वाले जगह पे अगर मैं लेने जाऊँ ना तो भाई बहुत ज्यादा जमीन पड़ जाएगा। वैसे जमीन वगैरह भी लेके रखा है, बट इतना अच्छा खासा जगह पे नहीं है, हाँ ठीक ठाक इलाके पे है। बस फ्यूचर में अगर मेरा बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए होगा, है ना। तो अभी यार बस यही था प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी 3-4 दिन बाद तो अपना दुकान ओपनिंग हो ही जाए। भी कहना कि ये YouTube पे ज्यादा हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ ना, तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो। चलो अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। चलो बाय।